Namaste and welcome to this exciting episode of Satology, Debunking Mythology. Satology means science or truth, the study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake liar imagination. आप सब लोग हमारे Transcending the Mind Experience courses जुड़ सकते हैं, 12x Debunking Mythology course जुड़ सकते हैं और TME courses के अंदर ही European इतिहास Professor कुसुमलता केडिया के द्वारा उसमें आप जुड़ सकते हैं और एक और हम कोर्स लॉन्च करेंगे जो राज शास्त्र पे होगा वो प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी के साथ। तो आज मैं अमेरिका में रहता हूं और आज राहुल गांधी ने पूरे अमेरिका में गदर मचाया हुआ है भारतीय मीडिया में। अमेरिका में कोई मीडिया इसको कवरेज नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या भारतीय संविधान लीडर ऑफ अपोजिशन को इतनी परमिशन देता है कि फॉरेन में जाके वो भारत की बुराई कर सके। इसी विषय पे हम लोग बात करेंगे प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी के साथ। नमस्ते जय जगन्नाथ। सो प्रोफेसर रामेश्वर पंकज जी, आप तो पूरे आपने कितने सालों से पॉलिटिक्स को देखा है, कभी ऐसा आपने देखा है लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ इंडिया भारत के बाहर जाके इतनी भारत की बुराई करे, उसको भारत से चिढ़े? अमेरिकन भी हंस रहे हैं ऐसे आदमी के ऊपर। नहीं, ये केवल बुराई का मामला नहीं है। राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो भारत द्रोह, राष्ट्र द्रोह, और उससे भी बड़ी बात वो संविधान का उपयोग, संविधान की मूल भावना और संपूर्ण संविधान को नष्ट करने के लिए और भारत राष्ट्र को टुकड़े टुकड़े करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि उनका भाषण यह है कि आरएसएस और बीजेपी एक राष्ट्र का भाव रखते हैं, है ना? लेकिन हम लोग से उनका क्या आशय है ये मैं अभी बताऊंगा। हम लोग भारत को अनेक राष्ट्रीयताओं का एक भाव समूह यानी ग्रुप ऑफ नेशनलिटीज मानते हैं। तो ये भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। भारत में लिखा है कि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। भारत का संविधान जो है, इंडिया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये नहीं लिखा है कि यूनियन ऑफ नेशंस या यूनियन ऑफ मिटेंटी। तो भारत राष्ट्र को अनेक नेशनलिटीज का नेशन बताना राष्ट्रद्रोह है और संविधान का सरासर उल्लंघन है और ऐसे व्यक्ति की संवैधानिक पात्रता तत्काल समाप्त होनी चाहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मोदी जी की राष्ट्रभक्ति के विषय में किसी को कोई शंका नहीं है और आरएसएस तो सदा राष्ट्र की ही शपथ लेता रहा है, तो वो मान क्यों नहीं कर रहा है? ये व्यक्ति मदर टेरेसा और सोनिया गांधी की भाषा बोल रहा है और इन्होंने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तीनों की मान्यताओं को उभरा दिया है। इन्हें रिजेक्टेड, पूरी तरह उनको रिजेक्ट कर दिया है, जो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जो इंदिरा गांधी ने कहा था और जो राजीव गांधी ने कहा था, उन सबको ये डिसोन कर रहा है। तो इन ए सेंस ही डिसोनिंग जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी और ही सबमिटिंग टू द थीसिस ऑफ टेरेसा, सोनिया गांधी एंड ऑल क्रिश्चियन प्रीस्ट। ये एक ईसाई व्यक्ति है और ईसाई के नाते ये भारत को तोड़ने वाली, ईसाइयों में बहुत से अच्छे लोग भी हैं लेकिन ऐसे क्रिश्चियन हैं जो भारत को जीसस की सर्विस में लगाने के लिए हिंदू नेशन को और हिंदू नेशन सोसाइटी को तोड़ना चाहते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने सदा इसको एक नेशन माना और एक स्ट्रांग नेशन बनाने की बात की। इंदिरा गांधी ने तो भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ बारंबार ली और राजीव गांधी भी राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ लेते थे। राहुल गांधी राष्ट्रीय एकता और अखंडता में विश्वास नहीं करते। उनके अनुसार भारत अनेक राष्ट्रों का खंड है, इसकी नेशनलिटीज के मल्टीपल आइडियाज हैं, ऐसा इनका कहना है। और आइडियाज क्यों, मल्टीपल नेशनलिटी से उनका आशय है और ये ठीक वो भाषा बोल रहे हैं जो भारत में जो क्रिश्चियन एक्सपेंशनिस्ट प्रीस्ट हैं, विस्तारवादी ईसाई पादरी हैं, उनकी भाषा राहुल गांधी बोल रहे हैं। ये ठीक है कि उन्होंने बपतिस्मा लिया है और वो लॉयल क्रिश्चियन हैं, फेथफुल क्रिश्चियन हैं, तो उनको फेथफुल रहने की पूरी छूट है क्रिश्चियन, लेकिन भारत की नेशनलिटी को फेडरेशन ऑफ नेशनलिटीज कहना, यूनियन ऑफ स्टेट्स को यूनियन ऑफ नेशंस बताना,
ये राष्ट्रद्रोह है, संविधान द्रोह है, भारत द्रोह है, और इनको भारत लौटते ही या अमेरिका में रहते भी तत्काल इनका अरेस्ट वारंट जारी होना चाहिए, इनकी गिरफ्तारी का आदेश जारी होना चाहिए। भारत शासन क्या कर रहा है, वो संविधान का अपमान सह रहा है, और जिस भारत राष्ट्र की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी रात दिन शपथ लेते हैं, उनको खंड खंड करने के खुलेआम सार्वजनिक घोषणा को यह कह रहा है। यानी कि भारत माता की जय बोलते हैं जो लोग, ये उनको भारत माता को खंडित करना चाह रहा है। तो ये तो भारत माता को टुकड़े टुकड़े में देखने वाला, क्योंकि अलग अलग अंग है, वो सब एकदम अलग है, और उनमें परस्पर विरोध बताने वाला, यूनियन ऑफ स्टेट्स को यूनियन ऑफ नेशन बताने वाला जो इनका वक्तव्य है, वो राष्ट्रद्रोह है, और इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। वो एक क्रिश्चियन है, तो क्रिश्चियनिटी के विषय में वो सुंदर लव का उनका कॉन्सेप्ट क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है, जिसमें बाकी सबके रिलीजन को समाप्त करके नष्ट करके केवल क्रिश्चियनिटी को फैलाना ही लव फॉर जीसस माना जाता है। इसमें लव फॉर राम नहीं है, लव फॉर कृष्ण नहीं है, लव फॉर दुर्गा नहीं है, लव रिस्पेक्ट और वर्शिप ऑफ श्री राम, श्री कृष्ण, दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, किसी की पूजा नहीं, केवल जीसस की पूजा करने वाले पादरी की बात ये बोल रहे हैं, और ये भारत को टुकड़े टुकड़े में देख रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का जो भी संवैधानिक पद है वो तत्काल छीन लिया जाना चाहिए, वो संविधान के विरुद्ध बोल रहे हैं। संविधान में नागरिकों के जो अधिकार हैं उसमें राष्ट्रीय एकता और अखंडता में निष्ठा रखना और बंधुभाव को दृढ़ करना, ये हर नागरिक का कर्तव्य है, ड्यूटी है, और ये उस नागरिक कर्तव्य का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी के विरुद्ध भारत सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। देश की बुराई करने वाला भी आज तक कोई नेता नहीं हुआ, लेकिन ये देश की बुराई तक सीमित नहीं है, ये देश को तोड़ने की खुलेआम योजना पर काम कर रहे हैं। विदेश की धरती पर वो ये दिखा रहे हैं कि मैं इस देश को टुकड़े टुकड़े करके रहूंगा, मैं इस देश को टुकड़ों में देख रहा हूं, विजुअलाइज कर रहे हैं, वो भारत को बहुत सारे टुकड़ों में विजुअलाइज कर रहे हैं, और उसमें वो अमेरिका के भारतद्रोही शक्तियों का साथ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जॉर्ज सोरोस या जो लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं वो उनकी सब प्रकार से मदद करें, आर्थिक राजनीतिक प्रोपेगेंडा में मदद करें, और वो खुलेआम अमेरिका में भारत के विरुद्ध, भारत की एकता और अखंडता के विरुद्ध भाषण दे रहे हैं। तो उनको देशद्रोह और राजद्रोह की परिभाषा में आता है उनका वक्तव्य, और उनको तत्काल उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करनी चाहिए। जी मेरा एक क्वेश्चन आता है, ये आपको समझ में आ रहा है, मुझे समझ में, ये आपको समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, और पूरी दुनिया को भारतीय इतने सारे चैनल से इसमें बात कर रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है, ये सरकार को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, या सरकार के पास कुछ बंदिश ऐसी? नहीं, ये सरकार इस मामले में बहुत ही गलत संदेश दे रही है। सरकार का मुख्य बल होता है दंड नीति, राजा का बल है दंड नीति, और ये तो डरे हुए दिखाए हैं। कहीं वो कहता है कि मोदी जी सिकुड़ गए हैं और वो ऐसे झुक कर चलते हैं, और अब वो कह रहा है कि मैंने सारे देश में केरोसिन तेल छिड़क दिया है, बस दिया तलाई दिखाने की देर है, अब वो अमेरिका में जाके दिया तलाई दिखा रहे हैं। दिया तलाई ये है कि ये देश टुकड़े टुकड़े में जलने लगे। वो कह रहे हैं कि ये मल्टीपल नेशनलिटीज का देश है, अनेक राष्ट्रीयताओं का देश है। ये इसे क्या बता रहे हैं, इसका मतलब कल को ये अनेक राष्ट्रों की मांग करेंगे, नेशन विद इन नेशन, मेनी नेशन विद इन वन नेशन, ये इनका है। ये कह रहे हैं कि ये भारत एक नेशन नहीं है। एक नेशन का आइडिया तो आरएसएस और बीजेपी का है, हमारा आइडिया और हमारे लोगों का, जिसका अर्थ चर्च के पादरियों का आइडिया, भारत को अनेक टुकड़ों में बटा हुआ मेनी नेशनलिटीज में टुकड़े टुकड़े देखने का इरादा है। ये तो भारत को तोड़ने का अमेरिका की धरती से ऐलान कर रहे हैं, इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई आवश्यक है। मोदी जी की राष्ट्रभक्ति कसौटी पर है, उनको ऐसा खुला राष्ट्रद्रोह सहन नहीं करना चाहिए। ये बहुत आपत्तिजनक भाषण है, बहुत ही आपत्तिजनक, और इसमें ढील दिखाना, सुस्ती दिखाना, और ये मानना कि लोग तो समझ ही रहे हैं, ऐसे हर व्यक्ति इतना समझदार नहीं होता। हर व्यक्ति को आप बात पहुंचाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी और उनकी बड़ी पार्टी और उसके साथ कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट और भारत को तोड़ने वाली शक्तियां और सबसे ज्यादा सारे देश में फैले हुए 20 से अधिक चर्च के लोग जो भारत को टुकड़े टुकड़े में देखना चाहते हैं, वो इसमें लग जाएंगे। राहुल गांधी के संदेश को गांव तक गलत रूप में भेजें,
वो कहेंगे कि वो तुम्हारी रक्षा के लिए काम कर रहा है, वो तुम्हारी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए काम कर रहा है, वो तुमको हिंदुओं से बचा रहा है, और हिंदुओं को एक छोटी सी माइनॉरिटी दिखा देंगे। 85% हिंदुओं के देश में वो हिंदुओं को 5-10% दिखाना चाहते हैं, बाकी सबको वो नॉन हिंदू बताते हैं, ये बैकवर्ड है, ये ओबीसी है, ये शेड्यूल ट्राइब है, ये शेड्यूल कास्ट है, उनको वो हिंदू मानते ही नहीं, और ईसाइयों को तो हिंदू मानने का सवाल ही नहीं। असल में वो नागालैंड में, मणिपुर में, सब जगह म्यांमार से लगे हुए इलाके में क्रिश्चियन नेशन देखना चाहते हैं, और वो उसके लिए काम कर रहे हैं, और वहां ड्रग का व्यापार। भारत सरकार को चाहिए कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के विरुद्ध ड्रग के मामले में और मूर्ति चोरी के मामले में जो भी अभियोग लगे हैं उनकी सच्चाई की जांच करें, एक जांच लोग तुरंत बैठाएं। जो मैंने पहले भी कहा, एक तो संविधान को तोड़ने वाली जो शक्तियां हैं उनके बारे में छानबीन करें, और भारत को मलिन करने, भारत की छवि को मलिन करने वाले ड्रग के कारोबारी और मूर्ति चोरी के काम में लगे हुए लोगों की व्यापक जांच की जाए, सघन जांच की जाए, गुप्तचरों के द्वारा जांच की जाए, पता लगाया जाए कि आखिर ये किस प्रयोजन से ऐसा बोल रहे हैं। भारत को अनेक राष्ट्रों में बटा हुआ देखना चाहने की इच्छा से अमेरिका में दिया गया इनका भाषण किस अभिप्राय से, किस योजना से प्रेरित है, इसकी शोध होनी चाहिए, इसका पता लगाना चाहिए, और उसके लिए आवश्यक है कि इस तरह का भाषण देने को राष्ट्रद्रोह खुलेआम घोषित किया जाए। संसद में वैसे तो राष्ट्रद्रोह घोषित है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर एक और प्रस्ताव लाया जाए कि भारत को अनेक राष्ट्रों का संघ बताना राष्ट्रद्रोह, यूनियन ऑफ स्टेट को यूनियन ऑफ नेशनलिटीज या यूनियन ऑफ नेशंस बताना राष्ट्रद्रोह है। इस तरह का अभी का संविधान में अंतर निहित है, लेकिन अगर लोगों की समझ में नहीं आता तो उसको एक्सप्लिसिट कर दें, जो इम्प्लिसिट है उसको एक्सप्लिसिट कर दें, जो निहित है उसको खोल के बता दें, और थोड़ी कड़ाई करें। ये देश की प्रभुता, एकता और अखंडता को चुनौती देना है, उस पर लगातार आघात करना है। इसको विरुद्ध सरकार, हम ये नहीं कह सकते कि सरकार को दिख नहीं रहा, सरकार का इस विषय में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना कर्तव्य बनता है, देश के प्रति कर्तव्य है, शासन के प्रति कर्तव्य है, भारत के लोगों के प्रति कर्तव्य है, 140 करोड़ भारतीयों के प्रति कर्तव्य है, सिवाय 1-2 करोड़ जो भारतद्रोही, धर्मद्रोही, राष्ट्रद्रोही तत्व है उनको छोड़ के 140 करोड़ में कम से कम 120 करोड़ लोगों की रक्षा के लिए राहुल गांधी जैसे लोगों के बयान पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मुझे, मैं जब उनको देख रहा था अमेरिका में, अभी आए, अभी वाशिंगटन डीसी में लेक्चर दिया है, ये उन कॉलेजेस में गए हैं जहां पे भारत विरोध बहुत ही स्ट्रांग है, यहाँ पे जॉर्ज सोरोस फंडेड चेयर्स ज्यादा है, जॉर्ज टाउन ह्यूस्टन में थे एक पब्लिक फोरम में, और एक्चुअल ऑडियंस तो दिखा नहीं वहां पे मुझे, एक्चुअली अभी वो उठ के चले गए हैं, एक्चुअल ऑडियंस तो मुझे दिखा नहीं वहां पर कहीं पर भी, और नहीं नहीं, आप ज्यादा जानते होंगे क्योंकि आप अमेरिका में हैं, पर यहाँ खबर आई है कि जो उनकी ऑडियंस थी उसको बहुत ज्यादा चेक किया जाता था कि ये कोई स्ट्रॉन्ग हिंदू तो नहीं है, कोई धर्मनिष्ठ हिंदू तो नहीं है, कोई फेथफुल हिंदू तो नहीं है, जो एंटी हिंदू लोग हैं और जो क्रिश्चियंस हैं उनको ही वहां जाने दिया गया, और वो भी ऐसे क्रिश्चियन जिनको भारत से द्वेष है, क्योंकि बहुत से क्रिश्चियन है जिनको भारत से बहुत प्रेम है, ऐसे लोगों को नहीं जाने दिया गया। भारत से प्रेम करने वाले लोग भी भरे पड़े हैं अमेरिका में, उनको चुन चुन कर बाहर रखा गया, तो उनकी जो ऑडियंस है वो सिलेक्टिव है और उसका इरादा प्रोपेगेंडा है, ये कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, कोई डायलॉग नहीं कर रहे हैं, कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, और वो डायलॉग की जगह भी नहीं है। जब आप विदेश जाते हैं, अब आपका जो मूल प्रश्न है उसको लेते हैं, कोई भी भारतीय व्यक्ति जब भारत के नागरिक अथवा किसी महत्वपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाते विदेश जाता है, तो उसका पहला कर्तव्य है कि वो भारत के बारे में अच्छा संदेश दे। भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय राष्ट्र और भारतीय राज्य के प्रति उस देश के लोगों के मन में आदर जगाए, प्रेम जगाए जहां वो गया है। तो इन्होंने अमेरिका में भारत के प्रति प्रेम नहीं जगाया है, बल्कि भारत के प्रति घृणा जगाने का काम किया है, शंका जगाने का काम किया है, और वर्तमान व्यवस्था के प्रति विक्षोभ जगाने का काम किया है, और उसको एक तरह से नष्ट कर देने का आह्वान किया है परोक्ष रूप से,
तो ये तो भारत के बाहर इनको जाने देने की अनुमति भविष्य में कभी नहीं होनी चाहिए। पहले तो इनको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए, मुकदमा चलाना चाहिए लाल किले में, और इसके बाद सार्वजनिक मुकदमा चलाना चाहिए जहां भारत नागरिक आके सुने कि भाई आपने देश के विरुद्ध और संविधान के विरुद्ध लगातार छेड़छाड़ ही नहीं की है, बल्कि उसको नष्ट करने की कोशिश की है। यूनियन ऑफ स्टेट्स को यूनियन ऑफ नेशंस बताया है, राष्ट्र के एक भाव रखने वालों को कोई अपराधी बता दिया है, और राष्ट्रीयताओं के संगम पर बात की है, अनेक राष्ट्रीयताओं के भाव पर। तो ये तो इसके लिए आपको नहीं भेजा गया था, आप किस लिए गए थे भारत से बाहर? तो ये इसकी जांच होनी चाहिए। और भारत के बाहर आज तक किसी भी व्यक्ति ने, अटल बिहारी वाजपेयी गए थे कांग्रेस के शासन में, तो उन्होंने भारत के प्रति केवल प्रेम जगाया, भारत के प्रति, भारत शासन के प्रति सद्भाव जगाया। इतने सारे लोग गए हैं, आज तक किसी भी व्यक्ति ने, राजीव गांधी ने नहीं, इंदिरा गांधी ने नहीं, और विपक्ष के किसी नेता ने नहीं, आज तक किसी भी विपक्षी नेता ने अथवा किसी भी शासन के नेता ने विदेश में जाकर भारत के विरुद्ध कोई क्षोभ नहीं जगाया है, विक्षोभ नहीं जगाया है, भारत में विद्रोह फैलाने की कोशिश नहीं की है, और भारत की एकता और अखंडता को उसका मजाक नहीं उड़ाया है, उसको काल्पनिक नहीं बताया है, और अनेकता और खंड खंड होने की भावना को पोषण नहीं किया है। तो ये तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो तो किसी को अधिकार ही नहीं है, ये भारत से मुक्त होकर जो चाहे करें। एक क्रिश्चियन प्रीस्ट के रूप में अमेरिका में बोले, वो एक फेथफुल क्रिश्चियन है लेकिन भारत के नागरिक भी हैं, तो उनकी निष्ठा पहले क्रिश्चियनिटी के एक्सपेंशन के लिए भारत को तोड़ने में है, किस बात में उनकी लॉयल्टी है, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या वो भारत की एकता को तोड़कर यहाँ एक छोटा सा क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहते हैं? आखिर वो कैसे ऐसी बात कर रहे हैं कि ये तो बहुत सी नेशनैलिटीज हैं, इस पर जांच होनी चाहिए। आज तक किसी भी विरोधी दल के नेता ने अथवा किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति ने विदेश में जाकर भारत के विरुद्ध ऐसा विश्वमन नहीं किया है, ऐसा जहर नहीं उगला है, और खुलेआम भारत के राष्ट्र को तोड़ने वाली बातें नहीं कही है। ये तो टेरेसा और क्रिश्चियन पादरियों की भाषा बोल रहे हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जिसके तहत लाइक इनको राजद्रोह पर गिरफ्तार किया जा सकता है? नहीं, राजद्रोह का तो एक कानून है, उसके अंतर्गत गिरफ्तार किया जा सकता है, और संविधान का इन्होंने सबसे पहले तो प्रीएम्बल का उल्लंघन किया है, जो कहा है, शुरू में कहा है, ये है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो इन्होंने इसको यूनियन ऑफ नेशनलिटीज कहा है। तो पहले तो ये संविधान के भाग एक में जो अनुच्छेद एक है जिसमें नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन है, तो यूनियन की टेरिटरी पूरा भारत बताया है, और ये बता रहे हैं कि ये जो भारत की टेरिटरी है इसमें अनेक नेशनलिटीज है, तो एक तो इसका उल्लंघन किया है, ये राजद्रोह है, और दूसरे अनुच्छेद 51 है, 51 ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A भाग 4 का मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, उसमें लिखा है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण रखें, ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है ना। प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस और ये सब है, तो उन्होंने इसको उल्लंघन किया है, और टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक की फंडामेंटल ड्यूटी है, पार्ट 4A भाग 4 का अनुच्छेद 51A, उसका उल्लंघन किया है। संविधान तो केवल एक नियमावली है ना, कि वो ये बताता है, कार्रवाई कानून के अंतर्गत की जाती है। राजद्रोह का कानून पहले दूसरा था, अभी नया कानून बना है, उसका नंबर मुझे नहीं याद ना, लेकिन राजद्रोह के कानून के अंतर्गत इन पर इस अभियोग के लिए कार्रवाई हो सकती है कि आपने संविधान के प्रीएम्बल के विरुद्ध भाषण दिया, यूनियन ऑफ स्टेट को यूनियन ऑफ नेशनलिटीज बताया, फंडामेंटल ड्यूटी जो नागरिकों की मानी गई है उनका उल्लंघन किया,
आर्टिकल 51A का उल्लंघन किया और इसके लिए राजद्रोह का और देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए तुरंत। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इधर कि जब इतना सब हमको मालूम है और भारतीय गवर्नमेंट को मालूम है सब कुछ, भारतीय पब्लिक को मालूम है, भारतीय चैनल चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, ये इतना मतलब मेरा क्वेश्चन रिपीटिंग लगेगा दर्शकों को भी कि इतना सब होने के बाद भी हम लोग सिर्फ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कुछ और नहीं कर सकते। मीन्स अगर मैं आपको बताता हूं, अगर अमेरिकन संविधान में अगर अमेरिका का लीडर ऑपोजिशन भारत में आके ऐसी बातें करे, पहली बात तो अमेरिका के बारे में भारत को मालूम भी नहीं है, लेकिन अगर किसी अमेरिकन चाहे कितना भी अपोज कर ले, चाहे कमला हैरिस को या डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन अमेरिका से बाहर जाके ऐसी बात नहीं करेगा उसका पॉलिटिकल करियर समाप्त हो जाएगा। लेकिन भारत में इतनी खुली छूट दी हुई है कि हम लोग गुलामों के जैसा बिहेव करते हैं, और आई थिंक ये बीजेपी का मैच्योरिटी है मेरे को लगता है, या इंडियन जो रूलिंग पार्टी का मैच्योरिटी है कि इतना सब सहन जो कर रहे हैं हम लोग बैठ के इसकी गंदगी को, तो आई एम रियली कमेंडिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हियर एंड आल्सो बीजेपी कि इतना सब होने के बाद भी सहन कर रहे हैं, लेकिन क्या राष्ट्र के लिए ठीक है ये क्वेश्चन? बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन इसमें मुख्य बात यह है कि रूलिंग पार्टी अभी रूल में आई है ना, लेकिन कांग्रेस तो 50 वर्ष से अधिक तक लगातार शासन में रही है, और कांग्रेस ने क्या किया है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं ये भी खासतौर से राजीव गांधी की मृत्यु के बाद। एक बात सुनिए मेरी, ये भी नहीं बोल सकते हम, ये भी नहीं बोल सकते क्योंकि 10 साल से रूलिंग कर रही है, 10 साल से रूलिंग पार्टी है वो, करंट रूलिंग पार्टी फॉर 10 ईयर्स। नहीं तो जो इस 10 साल में जितना यूनिटी के लिए काम करना चाहिए था वो नहीं हुआ, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं होती ऐसा करने की, क्योंकि अंत में लॉ ही गवर्नमेंट का पावर है और दंड नीति ही राजनीति का सार है। हमारे सभी शास्त्रों में भी दिखा है राजधर्म का मुख्य लक्षण है दंड नीति, इसीलिए राजशास्त्र को दंड नीति शास्त्र भी कहा जाता है, और आधुनिक स्टेट भी लॉ से चलता है, तो पनिशमेंट तो होना चाहिए। जो लॉ ब्रेकिंग सिटीजन है, कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकिंग सिटीजन है, कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकिंग पर्सनैलिटी है, उनको पनिश करना चाहिए, नहीं करना लज्जा का विषय है, शर्म की बात है, इसमें कोई बड़प्पन नहीं, और ये बहस का विषय होना ही नहीं चाहिए। बहस तो हम लोग अपना दुख व्यक्त करने के लिए कर रहे हैं, बहुत गहरा दुख, लेकिन ये बहस का विषय नहीं है। आश्चर्य है कि इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता, इन पर राजद्रोह का अभियोग क्यों नहीं लगाया जाता, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, ये भारत को तोड़ने की बात विदेश में अमेरिका की धरती पर जाकर क्यों कर रहे हैं, इनको क्यों करने दिया जा रहा है। भारत सरकार का सबसे पहले विदेश विभाग के किसी सचिव का एक प्रेस ब्रीफिंग होनी चाहिए थी कि भारत सरकार इस पर एक कड़ा ऐतराज जताती है, जो राहुल गांधी ने बड़ा भाषण दिया, तत्काल फॉरेन मिनिस्ट्री की एक प्रेस ब्रीफिंग होनी चाहिए थी, वो भी अभी तक नहीं हुई, कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कोई, ये बड़े शर्म की बात है, कम से कम फॉरेन मिनिस्ट्री का कोई विदेश सचिव या कोई भी अधिकारी ये तो कह सकता था कि भारत के किसी भी नागरिक को इस तरह के वक्तव्य का अधिकार नहीं है, और राहुल गांधी के इस तरह के भाषण पर भारत सरकार कड़ा ऐतराज दिखाती, इतना तक नहीं हुआ, ये तो सबसे पहले करना चाहिए। आप सेडिशन का देशद्रोह का अभियोग बाद में चलाएंगे, सबसे पहले उसकी पृष्ठभूमि तैयार होनी चाहिए, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को तत्काल एक प्रेस वक्तव्य जारी करना चाहिए, प्रेस ब्रीफिंग देनी चाहिए कि राहुल गांधी के इस तरह के वक्तव्य पर भारत सरकार कड़ा ऐतराज दिखाती है और इस पर क्षोभ व्यक्त करती है कि वो विदेश की धरती में जाकर देश को तोड़ने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपत्ति होनी चाहिए। कांग्रेस को पता था कि ऐसा हो सकता है, इसीलिए उन्होंने इसको प्रियम्प्ट करने के लिए उनके भाषण को गलत व्याख्या देने की कोशिश की। तो हमारी सरकार राष्ट्र के हित के विषय में सुस्त क्यों है, सोई हुई क्यों है, राष्ट्र को तोड़ने वाली शक्तियों के विरुद्ध इतने उदासीन क्यों है, क्या देख रहे हैं सामान्य नागरिक, जिसके पास तो भारत में हिंदू समाज के पास जो पावर थी वो सब जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस ने नष्ट कर दी, अब नागरिक क्या करेगा सिवाय विरोध व्यक्त करने के, तो शासन को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर नागरिकों के पास हिंदू धर्म में जो संस्थाएं हैं जाति आदि उसमें पावर होती तो इनको जाति बहिष्कृत किया जाता, धर्म बहिष्कृत किया जाता, पर ये तो पहले हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं,
ये तो ईसाई हो चुके हैं और ईसाइयों को तो विशेष संरक्षण प्राप्त है, मुसलमानों और ईसाइयों को तो नागरिक क्या करेगा। इसलिए भारत सरकार इसके लिए जिम्मेदार मानी जाएगी कि वो देश के विरुद्ध ऐसे खुले भाषण पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये भारत की एकता और अखंडता पर आघात करने वाली शक्तियों के विरुद्ध, व्यक्तियों के विरुद्ध, अभिव्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। जी मेरा लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक पे। एक हमने मैंने आपको अमेरिकन लॉ भी बताया कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता, अमेरिकन सर्विसेज अलाउ नहीं करती, यूएस कांग्रेस में सच पीपल को निकाल दिया जाएगा, वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रहेंगे, क्योंकि ऐसा हो चुका है पहले बहुत बार। लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग देखें कि भारत में लॉ को, ये लोग तो लॉ को मानते नहीं है और भारतीय संविधान को भी नहीं मानते। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि किसी और देश में अगर किसी और देश में ऐसा कुछ होता, यहाँ पे उसका लीडर ऑपोजिशन ऐसे बात करता, जैसे म्यांमार में आंग स्यू की जॉर्ज सोरोस की कैंडिडेट थी, जिसको म्यांमार में थोड़े समय के लिए राष्ट्रपति बनाया गया था, फिर वहां से उसको निकाल दिया गया, आंग स्यू की थी। और तो मुझे तो एक क्लियरली लग रहा है कि ये जो डर्टी डीप स्टेट है, डर्टी डेंजरस स्टेट DDS, जो अमेरिका ही चलाता है, अमेरिका का ही है, वो सभी अमेरिकन जानते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, अमेरिकन ही बात करेंगे इसके ऊपर। तो उनके द्वारा भारत के अंदर उपद्रव मचवाना ताकि भारत जो है अनस्टेबल रहे और भारत अमेरिकन या कोई फॉरेन टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट रहे, इसी यही काम चल रहा है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत से ही लोगों को खतरा है और किसी और से खतरा नहीं है। पूरा इंटरनेशनल अपोजिशन प्राइम मिनिस्टर मोदी को इसीलिए है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए। तो ये सब जानते हुए भी हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा काम हो रहा है। तो क्या आप ये सच मानते हैं कि भारत में ये गवर्नमेंट का तख्ता पलट करना चाहते हैं, करंट गवर्नमेंट का? क्योंकि राहुल गांधी भारत कंटिन्यूअस काम करेंगे भारत के अंदर, ये तो गारंटीड है। भारत का भी कानून ऐसा ही है, राजद्रोह के कानून लागू होते हैं। राहुल गांधी का जो भी भाषण है वो राजद्रोहात्मक है, एक, और दूसरे भारत के नागरिक को कहीं भी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के विरुद्ध, कॉमन ब्रदरहुड के विरुद्ध एक भी वाक्य बोलने का अधिकार ही नहीं है। तो भारत का संविधान और भारत के कानून के अनुसार राहुल गांधी का जो भाषण है वो एक आपराधिक भाषण है, क्रिमिनल स्पीच है, उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी जी अगर नहीं कर रहे हैं तो कानून पूरी तरह उसके लिए विद्यमान है, और वो क्यों नहीं कर रहे हैं इसका उन्हें कभी तो जवाब देना होगा भारत के लोगों को। इसके लिए मोदी जी भी जिम्मेदार हैं, उनको कार्रवाई करनी चाहिए। छोटे छोटी बातों पर इतनी कड़ी कार्रवाई हो जाती है, और भारत सरकार के ही नहीं भारत राष्ट्र के विरुद्ध भाषण दिया जा रहा है सार्वजनिक तौर से। देखिए अमेरिका की जो आप बात कर रहे हैं तो उनका तो हिडन एजेंडा है ना। अमेरिका की शक्तियां अगर भारत में विक्षोभ जगाना चाहती हैं, तोड़फोड़ करना चाहती हैं, तो अमेरिका की ऐसी भी शक्तियां अवश्य होंगी जो भारत की सहायता करना चाहती हैं, भारत के शासन के साथ मैत्रीपूर्ण भाव रखती हैं। कोई एक तरह का अमेरिका नहीं है, अमेरिका स्वयं खंड खंड में बटा हुआ है अभी तक से, लेकिन उसका शासन एक है। तो उनकी योजनाएं तो हिडन होंगी, छिपी हुई होंगी, लेकिन ये जो राहुल गांधी हैं इन्होंने तो उसको उजागर कर दिया है। तो एक अर्थ में तो इन्होंने उनका भी, उनकी हिडन जो प्लानिंग है, जो गुप्त योजनाएं है, उसको खोल दिया है, एक तरह से उनका खेल भी बिगाड़ दिया है। अगर भारत सरकार चाहे, और भारत सरकार ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, और जो दूसरे संगठन है, धार्मिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसको एक सार्वजनिक अभियान चलाना चाहिए कि राष्ट्रद्रोह को सहन नहीं किया जाएगा। विदेश की धरती पर जाकर भारत को अनेक राष्ट्रीयताओं का एक स्टेट बताना सहन नहीं किया जाएगा। यूनियन ऑफ स्टेट को यूनियन ऑफ नेशनलिटीज बताना सहन नहीं किया जाएगा। इसका एक प्रचंड अभियान चलाना चाहिए। यह इस तरह से केवल बौद्धिक बहस की बात नहीं है, एक जनता के बीच भारी अभियान चलाना चाहिए, और मोदी सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये बहुत ही लज्जा का विषय है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जी आदित्य जी,
एक्चुअली आपने ये पॉइंट बोल चुके हैं आपकी कार्रवाई होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए, और लोगों को भी मैं बोलूं ये तो बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि ये भी मान लिया कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी मान लिया देशद्रोह है, और ये भी मान लिया कि बहुत रोष है लोगों में, और ये सोशल मीडिया पर है, क्या हम लोगों ने ये पता किया ऑन द ग्राउंड कि लोग क्या सोचते हैं? ऑन द ग्राउंड मतलब जमीन पे जो लोग हैं, मेजोरिटी ऑफ हिंदू क्या सोचते हैं राहुल गांधी के बारे में, ऐसा कुछ आपको डेटा है आपके पास? हाँ हाँ बहुत है। राहुल गांधी के इस भाषण के विरुद्ध तो सोशल मीडिया का जो पॉजिटिव एटीट्यूड है जिन जिन लोगों में, जो सोशल मीडिया में भी आजकल दो वर्ग हो गए हैं, एक तो विदेशों से प्रेरित है, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग सोशल मीडिया का सबसे बड़ा हिस्सा राहुल गांधी के विरुद्ध बहुत ही विक्षोभ से भरा हुआ है, और उनको अब वो कह रहे हैं ये पप्पू अप्पू नहीं, ये बहुत खतरनाक आदमी है और ये देश को तोड़ने की योजना पर काम कर रहा है, और ये क्रिश्चियन है और क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ तथा सोरोस के साथ मिलकर काम कर रहा है, ये बातें सोशल मीडिया पर बड़ी व्यापक हो रही है। सोशल मीडिया में तो राहुल गांधी इस समय खलनायक है, भारत के विलेन है, सोशल मीडिया का पूरा सपोर्ट है मोदी सरकार को, और राहुल गांधी इस समय भारत की एकता और अखंडता के विलेन है, खलनायक है, लेकिन शासन कमजोर है, शासन के स्तर पर कमजोरी दिखाई जा रही है। थैंक यू सो मच, इतना इम्पोर्टेंट विषय पे आपने मेरे व्यूज रखे, मैं इसको थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस, और लोगों को पता लगना चाहिए कि ये एक दूसरे तरह का एनालिसिस है जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लोगों को बताएं, और हम लोगों को और सजग होए, क्योंकि ये सब जो षड्यंत्र चल रहे हैं भारत के विरुद्ध नहीं होने चाहिए किसी भी हालत में। चलिए नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। नमस्ते जय जगन्नाथ।